रेडियस ऑफ गायरेशन को के से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, पहले सिंपल टर्म में समझाता हूँ, फिर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी समझाता हूँ. सिंपल टर्म में रेडियस ऑफ गायरेशन के अंदर किसी ने कहा, सर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मैंने कहा देखिए स्फीयर, इसका एक्सिस और आई की वैल्यू इसकी है 2/5 mr². उसने पूछा कैसे निकाला, मैंने कहा यह तो मैंने करवाया ही नहीं, ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है. पहले स्फीयर किससे बना हुआ है? बहुत सारे शेल से बना हुआ है. पहले एक शेल का निकलेगा, फिर शेल का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, मैं सभी शेल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करूंगा, फिर जाके पूरे स्फीयर का निकलेगा. लंबी कहानी है. तो उसने कहा ठीक है, आपने छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए, उनका स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, उनको इंटीग्रेट करके टोटल आई निकाला. मैंने कहा हाँ ऐसा ही है, राइट. तो वो स्टूडेंट कहता फिर इतना लंबा क्यों करते हो, आप सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं यूज कर लेते, इंटीग्रेशन मत करो. आप ऐसे करो, आप ये स्फीयर लो, इसका सेंटर ऑफ मास लो, सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास ले लो. मैंने कहा ये देख, ये सेंटर ऑफ मास है, ये टोटल मास है. तो मैंने टोटल मास ले लिया. उसने कहा टोटल मास का डिस्टेंस एक्सिस से बोलो कितना है. मैंने कहा टोटल मास तो खुद एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास स्फीयर का कहां लाई करेगा, उसके सेंटर पे, और एक्सिस भी कहां से पास कर रहा है, सेंटर से. तो आई क्या आएगा, जीरो, क्योंकि मास तो उससे एक्सिस पे जाके बैठ गया, तो डिस्टेंस क्या होगा एक्सिस का, जीरो. तो आई जीरो, तो ऐसा तो हो ही सकता. अगर किसी बॉडी का मास है और डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सिस के अबाउट, उसका आई जीरो कभी नहीं होता. तो उसने कहा कि या तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट गलत है, या तो उसको बंद कर दो, या इसको ठीक कर लो, या तो इससे निकाल दो, किसी तरीके से शॉर्टकट बताओ, या सेंटर ऑफ मास को रिमूव करो, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका मतलब. तो फिर एक सोल्यूशन निकाला गया, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास से निकालूंगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर नहीं आ रहा. तो एक ये सोल्यूशन निकाला गया कि आप एक काम करें, आप प्लीज जब भी आप टोटल मास लें स्फीयर का, राइट, तो आप इसमें इसकी शेप कंसिडर ना करें, आप बस ये बोलें कि मान लो ये स्फीयर है और इसका मास है एम, इट्स अ पॉइंट मास. स्फीयर को स्फीयर ना लें, इसको पॉइंट मास ले लें. ले लिया पॉइंट मास. इस पॉइंट मास का इमेजिनरी एक्सिस लें, मान लो ये पॉइंट मास किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और वो इमेजिनरी एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर के, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. शेप नहीं ड्रॉ करनी, सेंटर ऑफ मास नहीं लेना आपने, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा नहीं. तो आपने ये मानना है कि इस स्फीयर का मास एम और किसी भी एक्सिस से उसका डिस्टेंस है के, सच दैट अगर आप इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें तो उसका आंसर सेम आना चाहिए जो स्फीयर का आएगा. तो इस के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. मैं एक न्यूमेरिकली करके दिखाता हूं मैंने क्या समझाया. जैसे किसी ने यह कहा कि एक स्फीयर है और स्फीयर में लेट अस सपोज मास की वैल्यू है सपोज 5 kg और आर की वैल्यू है 1 m. तो उसने कहा आई निकाल के दिखाओ. तो मैंने कहा ठीक, 2/5 × 5 × 1² तो आंसर कितना आ गया, आई का 2 आ गया, डन. अब वो कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में आंसर निकाल के दिखाओ, और आंसर क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए. तो मैंने कहा ठीक, एक काम करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में काम कर, मास को कंसिडर कर, मास तो सेम ही रहेगा, मास कितना है 5 kg, ठीक. तो मैं यहां डिस्टेंस कितना लू कि मेरा आंसर कितना आ जाए, 2 आ जाए. तो मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 2/5 ले लिया डिस्टेंस. ऐसा क्यों, क्योंकि अगर के अंडर रूट ऑफ 2/5 लूंगा तो आई क्या आएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो आंसर फिर से क्या आ गया, 2. तो के की वैल्यू मैंने इमेजिनरी ली, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है गायरेशन, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनरी है. क्यों करते हैं इमेजिनरी, इसका रीजन आज मैं दूंगा आपको. तो के हमने खुद कैलकुलेट करना है, तो के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, के की वैल्यू कैलकुलेट होगी और हर केस में डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर वो आई चेंज हो गया तो यहां से के चेंज हो जाएगा. तो ये एक इमेजिनरी डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस जो सेम आंसर देगा आई का, जो कि क्या देता था, एक्चुअल मेथड देता था. अब जैसे सपोज करो, फिर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपको किसी भी बॉडी का, मान लो एक डिस्क है, एक डिस्क का आई मैंने का फॉर्मूला पता था मुझे 1/2 mr². मैंने आपको क्या बताया, मास की वैल्यू मैंने आपको बता दी, और मास की वैल्यू लेट अस सपोज 5 kg थी. तो मैंने आपसे पूछा कि इसमें आई कितना है, तो आप, मैंने आपको एम दिया, आर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और आई आपने मुझे 10 बता दिया, आई 10 आ गया. मान लो डिस्क का आई मैंने 10 निकाल दिया, और मैंने पूछा कि इस 10 के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हम डिस्क को पॉइंट मास लें
पॉइंट मास ले, तो बताओ उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसका के क्या आएगा, जो सेम आंसर दे आई का जो डिस्क देती थी। तो क्या करेंगे, डिस्क क्या आंसर देती थी 10, और गायरेशन से आंसर क्या होता है एम के स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी है 5 इंटू के स्क्वायर, तो के की वैल्यू क्या आएगी रूट टू। तो के एक इमेजिनरी डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस जो कि आई कैलकुलेट करने में काम हेल्प करेगा हमारी, ये मानते हुए कि एम इज अ पॉइंट मास, और आंसर वही देगा जो कि एक्चुअल बॉडी देती है। अब क्या फायदा है ये मैं आपको बताता हूं। तो इसका मतलब कि अगर हम बात करें गायरेशन की, तो के इमेजिनरी डिस्टेंस है एक्सिस से पॉइंट मास का, जो आई का फॉर्मूला क्या देता है एम के स्क्वायर। इसमें अगर जैसे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का आई क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और गायरेशन की फॉर्म में क्या होता है एम के स्क्वायर, पर आंसर दोनों में सेम आना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर देते हैं एम से एम कैंसल, तो के क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू आर, तो के आ जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली। अब यहां से के नहीं निकालते हम लोग, क्या करते हैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालते हैं। ऐसा क्यों निकालते हैं इसका भी मैं आपको रीजन दूंगा, ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो का कुछ खास मतलब है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर है, तो क्या आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकाल सकते हो? आपको कि हाँ, कैसे, इसको इक्वेट कर दो एम के स्क्वायर के साथ, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आ गया 2/5। जैसे क्वेश्चन में कहूंगा डिस्क है, डिस्क का आई क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर, क्या आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकाल सकते हो? आपको कि हाँ, क्यों, क्योंकि गायरेशन की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है आई का एम के स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर लिया एम से एम कैंसिल, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आ गया 1/2। जैसे रिंग है, रिंग में एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा इक्वेट करके आएगा 1। तो एक शॉर्टकट है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालने का, क्या शॉर्टकट है, जो भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 एम आर स्क्वायर, उसका जो कोफिशियंट है एम आर स्क्वायर का, वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। जैसे किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर है, तो उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्ट्रेट वे ये करना ही नहीं है, सिंपल आंसर क्या बोलेंगे 2/5। जैसे मान लो हाफ एम आर स्क्वायर है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है 1/2। अगर रिंग में 1 एम आर स्क्वायर है तो 1, अगर 7/5 एम आर स्क्वायर है तो 7/5। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमने ये ऐसा किया क्यों, हमें तो आई आई गया था, हमें क्या प्रॉब्लम थी, आई के तो फॉर्मूला हमने याद कर लिए, फिर इतना कॉम्प्लेक्स कर क्यों रहे हैं, पहले एम के स्क्वायर लेके आए, फिर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी लेके आए, उसका कोई रीजन है, मैं रीजन अभी बताऊंगा 2 मिनट के बाद। रेडियस ऑफ गायरेशन को एक मिनट डिफाइन कर लूं, तो अगर पेपर में लिखने को आएगा व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कि जैसे कोई भी बॉडी है जिसमें m1 m2 m3 अप टू mn पार्टिकल्स हैं, तो उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, ये आया गया। और गायरेशन की फॉर्म में क्या आएगा m के स्क्वायर आएगा, दोनों का मतलब सेम है, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, इक्वेट कर दो, इक्वेट करके क्या आएगा k स्क्वायर आएगा। अब मान लेते हैं सभी पार्टिकल m1 m2 m3 का मास सेम है m, और ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं n पार्टिकल्स हैं, तो टोटल मास को क्या लिख सकते हैं, एक पार्टिकल का मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कैपिटल m की जगह m इनटू n। एक काम करें, m m m m कैंसिल, तो k की ये वैल्यू आ गई, तो गायरेशन की ये वैल्यू आ गई। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकलता क्या है और होता क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन है इज रूट मीन स्क्वायर, रूट रूट देख रहे हो अंडर रूट, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज देख रहे हो, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो भी इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस थे इनका स्क्वायर ले लो, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का स्क्वायर का मीन है उसका रूट ले लो। तो अगर मान लो अगर आपको के निकालना है किसी बॉडी का, तो आप एक काम करो, ये तो मैंने शॉर्टकट कराया के निकालने का जो आपको सिखाया, एक्चुअल मेथड क्या है, वो जो सभी पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 अप टू mn, उनके कोई डिस्टेंसेज होंगे r1 r2 r3 अप टू rn, तो उन सभी डिस्टेंसेज का स्क्वायर लो, एवरेज लो, रूट लो, तो आंसर आएगा रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर लिखने को आएगा तो आपने ये थ्योरी लिखनी है, वो नहीं लिखनी, वो आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, हाउ टू कैलकुलेट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जो अभी बताऊंगा कि कैसे यूज करना है।